सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। तो ये है एक मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो लगभग 6 महीने से मैं ये मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज़ कर रही हूँ, जब से मेरा बेबी पैदा हुआ है तब से। और आज इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये कैसा है, क्वालिटी कैसा है, फैब्रिक कैसा है, लेना चाहिए या नहीं, प्राइस कितना है, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी आप लोगों को। तो मैट्रेस एक ऐसा यूज़फुल सामान होता है ना हमारे लिए, जिसमें हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली आता है ना। तो जो है हमारे पास उसे ही अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। कभी कभी हम उसमें पानी गिरा देते हैं या फिर खाते पीते कोई दाग लगा देते हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे करके मैट्रेस जो है हमारा ख़राब होने लगता है। और जिनके घर में छोटा बेबी होते हैं ना, वो तो सोने पे सुहागा कर देते हैं, मतलब शुशु पोटी कर कर भी जल्दी से ख़राब कर देते हैं। सो इसी डर से मैं जब से मेरा बेबी पैदा हुआ है ना, तभी से मैट्रेस प्रोटेक्टर को रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ और 2-3 बार धो भी चुकी हूँ इसे। सो आज फाइनली इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलिए फिर रिव्यू शुरू करते हैं। और इसका ब्रांड नेम है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, IVF होम इलास्टिक स्ट्रैप डबल साइज वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर। तो जो वेबसाइट है ना, कंपनी ये क्लेम करती है कि ये वाटर प्रूफ है। सो ये है वो मैट्रेस ब्राउन कलर में, काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे इसमें, जैसे डार्क ब्लू था और मैरून भी था, लेकिन मैंने ये ब्राउन कलर चूज़ किया है। वैसे भी मैट्रेस प्रोटेक्टर है, तो मैट्रेस को सेफ रखने के लिए ही इसे हम यूज़ करेंगे। इसमें अगर दाग वाग लग जाएगा, किसी व्हाइट कलर ले लिया या फिर लाइट कलर लेने से, तो इसे साफ़ करने का अलग से झंझट, इसलिए मैंने डार्क कलर का ही लिया है, ताकि स्माइल के भी सुसु पोटी करेगा तो भी दाग वाग उसका कोई टेंशन ना रहे। तो इसका जो बाहर का फैब्रिक है ना, वो भी सॉफ्ट फैब्रिक है, जैसे कोई बेडशीट हम यूज़ करते हैं वैसा वाला ही फैब्रिक है। इसमें डायरेक्टली भी आप बेबी को सुलाने से भी हार्श नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है ये। बेडशीट में जैसा कपड़ा आता है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको, क्लोज करके दिखा देती हूँ जूम, देखिए। और क्रिस क्रस पैटर्न में इसमें सिलाई लगा है हर तरफ, और कोई धागा वागा ना निकले, और फिनिशिंग के लिए ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग भी लगाए हैं, जैसे बॉर्डर बनाए हैं ना इस तरह। और अंदर का फैब्रिक है ये कुछ टिश्यू जैसा मटेरियल है, मोटा है लेकिन टिश्यू जैसा पतला नहीं है, मोटा है और अच्छे से पानी को अब्जर्व भी कर लेता है। और इसके अंदर है कटन, सॉफ्ट कटन, माइक्रोफाइबर जैसा कटन है इसमें, जो छोटे छोटे बेबी न्यूबॉर्न बेबी को सुलाने के लिए जो गद्दा आता है ना, जिसमें मॉस्क्यूटो नेट अटैच होता है, उसमें जिस तरह का कॉटन लगा होता है, ठीक वैसा ही कॉटन है इसके अंदर। और थोड़ा भी पानी गिरने से ये कॉटन उसे जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है, फैला देता है हर तरफ, लेकिन मैट्रेस के पास पहुंचने नहीं देता है, ये प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ है ये इलास्टिक स्ट्रैप, और 4 कॉर्नर पे ऐसे इलास्टिक स्ट्रैप दिया हुआ है, जिससे कि आप इजीली इसे सेट कर सकते हैं आपके मैट्रेस के ऊपर। और मैंने लगभग 3-4 बार धोया है इसे 6 मंथ के अंदर, और मैंने मशीन में नहीं डाला है, हैंड वॉशिंग किया है, क्योंकि डर लगता है ना, सारा खेल इसी का है, मशीन में कहीं ये फट जाएगा ये सोचकर ही मैं हैंड वॉश करती हूँ, मतलब डिटर्जेंट देकर डायरेक्टली डीप करके इसे धोती हूँ। और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं मशीन में डालने से कैसा होगा, लेकिन मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप परचेस करते हैं कोई भी मैट्रेस प्रोटेक्टर, तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसे पहले अच्छे से रीड करना, उसके बाद ही आप मशीन में वॉश करना, वरना आप अच्छे से हाथ से भी धो सकते हैं इसे। और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर पानी भी डालकर दिखाऊंगी, और कैसे मैं सेट करती हूँ अपने बेड के ऊपर इसे, वो भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। और प्राइस के हिसाब से भी ये मुझे एफोर्डेबल लगा, तो आप
कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपने मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे 600 या 700 इन्वेस्ट करके भी एक अच्छा सा मैट्रेस प्रोटेक्टर आप खरीद सकते हैं। सो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से ज़रूर परचेस करना। और अभी मैं इसमें पानी डालकर भी चेक करूंगी, दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है। सो आप बने रहिए वीडियो में, और चलिए फिर चलते हैं इसमें पानी डालकर चेक भी करते हैं। सो ये है हमारा मैट्रेस, और अभी इसके ऊपर मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाकर दिखाऊंगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस अपना मैट्रेस को उठाकर ये जो इलास्टिक है ना मैट्रेस प्रोटेक्टर में, इसको इसके नीचे इस तरह से फंसा देना है, और चारों कॉर्नर पे इस तरह से फंसा देना है अपने मैट्रेस प्रोटेक्टर के इलास्टिक को। फिर ये सेट हो जाएगा आपके मैट्रेस के ऊपर। और मैं यहाँ पर पानी भी डालकर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये अपने मैट्रेस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है पानी वानी गिरने से या फिर दाग लगने से। तो एक कप पानी है मेरे पास। यूजली एक छोटा बच्चा अगर सुसु पोटिक भी करता है, या फिर हम पानी पीने के बाद ग्लास में थोड़ा जो पानी बच जाता है ना, इतना ही बिस्तर पे गिरता है, तो उसी हिसाब से मैंने एक कप पानी लिया है। तो अभी मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर ये एक कप पानी डालकर दिखाऊंगी, और साथ में हम टाइम भी देखेंगे, 1 या 2 मिनट वेट करेंगे। सो डाल रही हूँ मैं अभी पानी मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर, और टाइम 5 बज रहा है अभी, तो 1 मिनट वेट करते हैं, फिर मैं इसे ऐसे थपथपा रही हूँ। और अंदर कटन है ना, इसलिए अच्छे से पानी फैल जाता है हर तरफ, लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं जाता है। तो वेट करते हैं हम थोड़ा टाइम। तब तक मैं ऐसे थपथपाती हूँ इसे। नीचे पूरा पानी पानी हो गया है, देख सकते हैं आप। और इधर 5:01 भी हो गया है। पानी थोड़ा सा कम है, तो इसमें मैं और एक कप डालकर दिखाती हूँ अभी। तो और एक कप पानी डाल रही हूं मैं। टोटल 2 कप डाला है, और टाइम देख सकते हैं अभी 5:02। तो मैं इसे अच्छे से थपथपा रही हूं, प्रेस भी कर रही हूं। ऊपर देख सकते हैं आप, पूरा पानी पानी है। तो 5:03 होने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि नीचे पानी गया है या नहीं। तो अभी 5:02 हो रहा है, सो थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। अभी 5:03 हो गया है, तो मैं चेक कर रही हूँ अभी। देखिए इधर तो पूरा पानी पानी है, और फोन को रख देती हूँ साइड में। देख सकते हैं आप नीचे बिल्कुल सूखा है बिल्कुल, और इधर भी पूरा पानी से भरा हुआ है। और पता चल रहा है इधर इस वाले पोर्शन पे कि ये जगह गीला है, पानी वानी या फिर कुछ गिरा है इसमें, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं पूरा सूखा है। और अच्छे से मैं प्रेस करके दिखाती हूँ। देखिए पूरा सूखा सूखा है, पूरा सूखा है। सो ये फाइनली प्रूफ हो गया है कि ये वाटर प्रूफ है, और अच्छे से आपके मैट्रेस को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो फिर इसे सुखाकर अभी मैं अच्छे से बेड पे इसको सेट करके बताऊंगी आपको।
दोनों साइड का तो मैं लगा चुकी हूँ, अभी बस ये दोनों साइड में लगाना है। तो इलास्टिक को थोड़ा सा खींचकर मैं गद्दा को उठाकर इलास्टिक को फंसा रही हूँ गद्दे के नीचे, और इस तरह भी ऐसे ही कर दूँगी। और देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है मैट्रेस प्रोटेक्टर। सो देखा आपने कितना इजी है इसे लगाना, और बहुत लाइट वेटेड भी है, 1 किलो है बस इसका वेट। और इस तरफ और इस तरफ जो 2-3 इंच का गैप दिख रहा है ना आपको, वो इसीलिए क्योंकि मैट्रेस प्रोटेक्टर जो लंबाई और चौड़ाई है इसका 6 फीट है, और मैट्रेस जो है हमारा 6 फीट बाय 6.5 है, मतलब 6 इंच थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसीलिए थोड़ा इधर उधर 2-3 इंच का गैप नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे कोई इश्यू नहीं होता है इसमें। और अभी इसके ऊपर मैं बेडशीट भी बिछा दूंगी। सो ये रहा मेरा रिव्यू मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर देना, साथ में पास वाले रेड कलर के बेल बटन को भी प्रेस कर देना। और प्रोडक्ट भी अगर पसंद आया तो लिंक के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर।